अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, माई सेल्फ रिजवान। हाँ, मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, नॉट रेगुलर बेस पे, लेकिन कभी कभी जब भी बनाता हूँ लेकिन बनाता हूँ ब्लॉग्स। लेकिन आज की स्पेशल वीडियो स्टूडेंट के लिए होने वाली है। तो मैंने सोचा यार ब्लॉग के लिए टाइम तो मिल नहीं रहा, तो क्यों ना जो स्टूडेंट के बारे में थोड़ी अपडेट है उसकी बात कर ली जाए। तो थोड़े मंथ पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने टाइटल में लिखा हुआ था कि भाई डोंट कम ऑस्ट्रेलिया, आके मैंने ना क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था। शायद वो काफी लोगों को नजर नहीं आया, तो उन्होंने सिर्फ ये मतलब समझ लिया मेरी बात को कि मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया मत आओ, जिसपे काफी लोगों ने इतना प्यार दिया कमेंट्स में, मुझे पर्सनल मैसेज में, कि मैं आपको बता नहीं सकता, वो बताने वाला नहीं है। तो खैर, बात यह है कि उस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, जैसे अब आज की वीडियो बना रहा मैं। तो उस वीडियो में मैंने ऐसे ही बताया था कि भाई ये हालात चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जॉब्स के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड, जो भी वट एवर अकोमोडेशन को लेके जो जो चीज़ें आती हैं ऑस्ट्रेलिया में एज अ स्टूडेंट हमें फेस करनी पड़ती है, मैंने सारा कुछ बताया। लेकिन कुछ लोग उस पर गुस्सा करके उनको नहीं समझ आ सके, बट हैर मेरा पॉइंट था, एक्सप्लेन करना मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे केयर ने कहा, आप लोगों ने सॉरी जो देख रहे हो, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी तो उन्होंने कैसे उस वीडियो के लिया, आई डोंट केयर, मैंने जो बताना था ग्राउंड रियलिटी वो बता दी। सेम आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ, तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को समझोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। होता कुछ यूँ है कि यहाँ पे जॉब्स कैसे आती हैं वापस से, या हम कैसे डिसाइड करते हैं या इस कंट्री के हालात ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं या इस कंट्री में अब हालात बेहतर हो रहे हैं, वो कैसे पता लगता है। जाहिर है उसमें जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके रिव्यूज़, उनकी बातें, उनसे हालात जान के भाई तुम्हारा कैसा गुजर बसर हो रहा है या तुम कैसे रह रहे हो, तो उनसे हम एक आइडिया लेते हैं। हाँ यार, अब सबके पास जॉब है, सब अच्छा खा पी रहे हैं, सब स्टडी भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इट मीन्स अब हालात सेट हैं। जब नहीं है जॉब, हर कोई एक दूसरे को कह रहा है मुझे जॉब लगवा दे, इट मीन्स कहीं ना कहीं अभी कमी चल रही है। तो आज के दौर की बात करूँ तो अब जो जॉब्स हैं वो काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं बोलूँगा 100% या बहुत अच्छे हालात हो चुके हैं, लेकिन आज से 3-4 महीने पहले जो हालात हो चुके थे उनके कंपेरिजन में आजकल हालात थोड़े से बेटर हैं। मतलब स्टूडेंट को जॉब्स मिल रही हैं, उस तरह तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन मिल रही हैं, इतना मैं ज़रूर बोलूँगा। 24 घंटे की ज़्यादा लिमिट है हमें, मैं खुद 3 दिन जॉब करता हूँ, 8 घंटे डेली के हो गए, तो 24 घंटे हो गए वीक के, जो कि लीगली तौर पर अलाउ होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वही मैं करता हूँ सिर्फ और वही कर रहा हूँ मैं। तो इसी तरह बाकी जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी 24 घंटे एक वीक के मिल जाते हैं। अब होता क्या है, जो और जॉब होती है ना, अब और जॉब मान लो किसी रेस्टोरेंट पे आपको मिलेगी, किसी स्टोर पे मिलेगी, कोई भी ऐसी पिज्ज़ा शॉप, कोई भी ऐसी शॉप जहाँ पे आपको रिटेल बेचना या बेसिक चीज़ें जो होती है, और जॉब का मतलब ये होता है। तो काफ़ी लोग ना वो कर रहे थे। अब जैसे मैं है, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया मैं अपनी फील्ड की जॉब कर रहा हूँ। जब मैंने एक अपना कोर्स स्टार्ट किया तो उसके साथ मैंने अपनी फील्ड की जॉब कर ली। मैंने ये ऊबर ईट्स वगैरह या बोल दो किसी स्टोर पे, मैंने वो जॉब शुरू से नहीं की, तो 1-2 मंथ की, उसके बाद छोड़ दी। मेन मकसद मेरा ये है कि जैसे मेरी स्टडी स्टार्ट हुई तो मैं अपनी फील्ड में आ गया, मैंने अपनी फील्ड जॉब स्टार्ट कर दी। अब जो मेरे साथ थे, फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे साथ 50 बच्चे पढ़ रहे थे, वो अलग अलग स्टोरों पे काम करते थे। कोई स्टोर पे काम कर रहा है, कोई ऊबर कर रहा है, कोई किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है, या डिफरेंट डिफरेंट जगह पे काम कर रहे थे अपनी फील्ड से हट के। लेकिन अब जैसे हमारी स्टडी एंड होने को आ गई है, हमारी जो ऑलमोस्ट जो स्टडी वाला सेशन है वो खत्म हो रहा है, अब सबको जरूरत है कि भाई उनको वो अपनी जो लॉग बुक वगैरह, जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रेडी करने हैं, उनको प्रिपेयर करना है। तो उसमें जॉब जो होती है अपनी फील्ड की, वो मेन पार्ट होता है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप स्टडी कर रहे हो, आपको वही जॉब करनी है। तो अब वो जितने भी मेरे सर्कल के 50 लोग हैं उनको छोड़कर मेरे वाली जॉब करनी है, जो मैं फील्ड जॉब है, मेरे वाली नहीं फील्ड जॉब बोलूंगा, तो उनको फील्ड जॉब करनी है। अब वो 50 बंदे उन जॉब से निकल के फील्ड वाली जॉब में आ गए, इट मींस जो अब नए बंदे आएंगे 50, तो उनके लिए ऑलरेडी जो 50 सीटें पहले बुक थी वो अब खाली हो चुकी हैं, तो वो उनकी जगह पे आ गए और वो आगे शिफ्ट हो गए, सो आगे वाले आ गए। तो मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि यार चेन चलती है, जैसे एक सेशन एंड होना होता है या स्टार्ट होना होता है, तो एक ना चेन ऐसे आगे आगे चलती है। तो वो ऐसा नहीं होता किसी गवर्नमेंट ने ना अपनी जॉब्स को छुपाया होता तो वो एकदम कहते हैं यार हम जॉब निकाल देते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ ऐसा ही होता है कि एक जो सेक्शन है वो आगे मूव हुआ, उसकी जगह दूसरा आगे, दूसरा आगे मूव हुआ, तीसरा, एक चेंज चलती है। तो उसी तरह अब जो है काफ़ी हद तक जॉब्स आना शुरू हो गया, और वैसे भी गवर्नमेंट ने जब से सख्ती की है कि भाई 24 घंटे ही करो, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक वीक में 40 घंटे काम करता हूं, तो वो 40 घंटे की पे मेरे पास आ रही है, और जो मेरे साथ वाला वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट का रूल जब सख्त हुआ तो मुझे मतलब मजबूरी से 3 दिन करनी पड़ी, इट मीन्स अब आधा दिन मैं करता हूँ, आधा वीक ये करता है। तो जो पे हम मुझे अकेले हुआ थे तो वो अब डिवाइड होगी, क्योंकि इतनी 24 घंटे से मिल जाते हैं पैसे कि आपका मंथ का गुजर बसर हो जाता है। तो इस तरह फिर जो मेरे साथ भूखा मारा था भाई, उसको भी कुछ ना कुछ मिलने लग गया।
बात करते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आप 24 घंटे का क्यों, मतलब ये क्यों नहीं अलाउ करते कि भाई आप फुल फुल टाइम वर्क स्टार्ट है आपके पास। हालांकि इनको टेक्निकल देखा जाए तो इनको फायदा ही होगा ना, अगर स्टूडेंट जाके जॉब्स करेंगे तो इन्हीं को टैक्स भी भरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं यार आप जॉब ना करो। तो बात यह है, देखो सबसे पहले जब हम पाकिस्तान से आते हैं हम लीगली तौर पर उधर लिख के आते हैं, अपनी जो SOP होते हैं वहाँ पे हमने इतना बड़ा मेंशन करके लिखा होता है कि भाई हम अपनी स्टडी, हमारे पेरेंट्स जो हमने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए होते हैं वो सब कुछ हमारे पेरेंट्स करेंगे, हम बाहर जाएंगे, हम स्टडी के लिए वो फीसें भी देंगे, हमारे रहने का इंतजाम भी करेंगे। तो उसके हक में हमें गवर्नमेंट कहती है ठीक है आपकी वीक की स्टडी के साथ साथ हम आपको 24 घंटे अलाउ कर देते हैं, अगर आपने जॉब करनी हो तो कर लेना। सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में कोई क्यों आता है क्यों नहीं आता, सबको पता है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी लोग इधर आके तो ये सवाल कर रहे थे यार 24 घंटे क्यों, इसमें गुजारा नहीं हो रहा, अगर मैं इलीगल तौर पे काम कर रहा हूँ तो मैं गवर्नमेंट को जब मैं पकड़ा जाऊँगा तो मैं बोल दूंगा कि जी मेरी मजबूरी है, मेरे से रेंट नहीं पूरा हो रहा था, मेरे से ये नहीं पूरा हो रहा था। तो भाई देखो आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं वहाँ पे, मतलब मैंने भी वही लगाए हैं, तो वहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि भाई हमारी जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो हमारे पेरेंट्स, हमने जो बिजनेस या वीजा जो भी जो चीज़ें शो की हुई हैं उनसे हम पूरा करेंगे। तो इसलिए फिर ये कोई लॉजिक नहीं है कि मैं बाहर जाऊँगा। तो कुछ लोग ये कर रहे हैं फुल टाइम, अभी भी काम कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए, मैं अभी उनको ये मशवरा दूंगा छोड़ दो, थोड़े टाइम का ही होता है स्टूडेंट वीजा, ज़्यादा देर का होता नहीं है। तो कोई बड़ी कारनामे से मतलब है नहीं, कोई वीज़ा वीज़ा कैंसिल करवा के डिपोर्ट हो जाएगा, उससे अच्छा कि यार आप काम छोड़ दो, कम कमा लो लेकिन डेली कमा लो। तो खैर ये जो सेक्शन है कि गवर्नमेंट के क्या अब हालात चल रहे हैं ये एक अलग चीज़ है भाई, ये गवर्नमेंट काफ़ी सख्त हो चुकी है, नए बच्चों के साथ कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा, क्या सीन चल रहा है उनके साथ, मतलब कितना सख्ती हो चुकी है वो तो मैं खैर आपको भी नहीं डराना चाहता। जो मेरा मेन मकसद था वीडियो का वही ये था मैं बता दूँ कि भाई अभी जो है ना काफ़ी हद तक स्टूडेंट के लिए रिलीफ आ रहा है, जॉब मतलब जो लीगल तौर पर चल रही है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको लीगली तौर पर, फिर नहीं कहना कि ऐसा तो वैसा ये तो वो, तो काफ़ी हद तक अभी ठीक हो रहा है। बाकी वही है कि एवरेज पे उन्होंने 23.23 सेंट्स रखे हुए हैं, तो 24 घंटे वीक में आप काम करके अपना खर्चा निकाल सकते हो, अपने आगे पीछे कर सकते हो। हाँ वो बस ये है कि आप घर नहीं बेच सकते, आप यहाँ पे अपने यश नहीं कर सकते, वो सब कुछ अभी भी वहीं का वहीं है। तो ये है कि अब टेंशन थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो जो नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने नए रूल निकाले हैं उन पर मैं लहदा से एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला, स्टूडेंट के लिए कितनी सख्ती हो चुकी है, क्या क्या स्टूडेंट को अब वो फेस करना पड़ेगा, जो नए आने वाले हैं जो इधर है उनके साथ क्या क्या होने वाला है इंक्लूडिंग मी। तो जुड़े रहेगा नई वीडियो तक, तो तब तक ले अल्लाह हाफिज़।